अटल मिशन के तहत मूलभूत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 13 राज्यों को 1,062 करोड़ रुपयों की केंद्रीय सहायता जारी कर दी गई है। अमृत योजना के तहत 13 राज्यों को ये रकम पहली किश्त के रूप में जारी की गई है। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज जोर देकर कहा कि वो कॉल ड्रॉप मंत्री का तमगा नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टेलीकॉम ऑपरेटरों को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहिए। जहाज निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल को 24 नवंबर से सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। ये छूट आगे चलकर इस सामरिक उद्योग के विकास के लिए ना सिर्फ अनुकूल माहौल बनाएगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एयर इंडिया ने दिल्ली से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक पहली नॉनस्टॉप उड़ान की शुरुआत की। सप्ताह में 3 बार एयर इंडिया भरेगा सैन फ्रांसिस्को की नॉनस्टॉप उड़ान। और नए ग्राहकों को मिल सकता है सस्ता लोन। आरबीआई लाने वाला है बेस रेट का नया फॉर्मूला। आरबीआई ऐसा कर रेपो रेट में हुई कटौती और बैंकों के कर्ज देने के रेट को जोड़ना चाहता है जिससे उपभोक्ताओं को सस्ते कर्ज का तुरंत फायदा मिले।